यदि निर्वाचित सरकार उत्तरदायी सरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यदि गारंटी की बात नहीं करती तो प्रतिनिधित्व के कोई माने नहीं, उस सरकार का भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा, यह व्यवस्था हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं होगी। इस बात के ज्वलंत तो प्रमाण है कि अल्पसंख्यक के उन प्रतिनिधि अल्पसंख्यक के केवल प्रतिनिधि शासन प्रणाली पर निर्भर नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें अधिकारों के लिए गारंटी के रूप में संरक्षण दिया जाना चाहिए। केवल प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, प्रतिनिधित्व की बात सुने नहीं सुने, बहुमत का निर्णय हो तो हमारी कोई सुनवाई नहीं, इसीलिए हमें संवैधानिक गारंटी भी चाहिए, संवैधानिक गारंटी भी हमें मिलनी चाहिए। इसके बाद बाबा साहब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो अभी मैं उसके संबंध में बहुत अधिक नहीं कहना चाहूँगा उसके संबंध में। इसके बाद में यहाँ पर यह निवेदन पर चर्चा समाप्त होती है, मैं आपको ले जाता हूँ उनकी पर्सनल साक्षी की ओर। यह साक्ष्य उन्होंने 23 अक्टूबर 1928 को दी थी। साक्षी के लिए उपस्थित होने के बाद साइमन आयोग के चेयरमैन, निश्चित तौर पर साइमन है, साइमन आयोग के चेयरमैन साइमन अपने सदस्यों से कहते हैं कि माननीय महोदय ध्यान रहे कि यहाँ पर माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि मुंबई विधानमंडल में मुंबई प्रेसिडेंसी में साइमन कमीशन के जो राज्य शाखा है उसमें डॉक्टर आम्बेडकर कमीशन के सदस्य हैं, परंतु यहाँ पर माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर एक साक्षी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। अनेक प्रश्न पूछे गए उनसे, बहुत सारे दौड़ पर करीब करीब 300 प्रश्न, मैं कुल संख्या दे सकता हूँ उनकी, 295 प्रश्न पूछे गए, उनमें से कुछ चयनित प्रश्न और उनके जवाब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि वह हम सब की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक 7, दलित वर्गो शब्द का तात्पर्य आप अस्पृश्यों से ले रहे हैं जो हिंदू है परंतु हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश वर्जित है, क्या यह ठीक है? ध्यान रहे आज भी अस्पृश्य कौन, अनटचेबल्स किसको कहना चाहिए, अनुसूचित जाति किसको कहना चाहिए, इस पर विवाद है। यहाँ पर साइमन कमीशन के समक्ष स्पष्टतया पूछा गया कि अच्युत वो है जिसको हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश नहीं है, उसे अच्युत मानते हैं आप? ऐसा बाबा साहब से सवाल पूछा जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ यह ठीक है, बाबा साहब कहते हैं कि हाँ यह ठीक है, हम उन्हें ही अच्युत मानना चाहिए जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। एक प्रश्न पूछा गया, उस आंकड़े के आधार पर आप कौन से मार्गों को उचित ठहराना चाहते जिसके द्वारा भारत के संविधान में खासकर बम्बई प्रेसिडेंसी के संविधान में इन लोगों की व्यवस्था की जाए? बाबा साहब कहते, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम दावा करते हैं कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हम दावा करते हैं, फिर से बार बार बाबा साहब कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई। पहली बात तो यह है कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुओं से अलग और विशिष्ट अल्पसंख्यक, हमें अल्पसंख्यक माना जाए, अभी तक हमें हिंदुओं में शामिल करके हमारे अल्पसंख्यक स्वरूप को छिपाया गया है, और इसीलिए अब
हम इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्थिति हमारे बर्दाश्त के बाहर है। और इसीलिए पहली बात तो यह कि हम अपने आप को अल्पसंख्यक कर प्रस्तावित करना चाहते हैं, बाद में मताधिकार चाहते हैं, और इसीलिए हम आरक्षित सीटों की मांग करते हैं जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। अब जब भी मैंने कहा था ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अब उसकी बात आ रही है। सवाल पूछा जाता है कि यदि वयस्क मताधिकार न हो तो, यदि अडल्ट फ्रेंचाइज न हो तो, समझो आगे चलकर जो भी परिषद होगी उसमें निश्चित किया गया कि अडल्ट फ्रेंचाइज फिलहाल भारत के लिए उपयोगी नहीं है। तो अब सुनिए बाबा साहब माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, तब हम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे। उस समय जो संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान, क्यों, कंडीशन थी कि प्रौढ़ सार्वत्रिक मताधिकार हो। यदि नहीं है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यदि नहीं है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स है, तो हम स्वतंत्र मतदार संघ की मांग करेंगे। तब हम यदि संभव हो तो संविधान में कतिपय रक्षा पायों की व्यवस्था भी चाहेंगे। सिर्फ स्वतंत्र मतदार संघ नहीं मांगेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी मांगेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी मांगेंगे, क्योंकि तब हम चाहेंगे कि हमें शिक्षा में, सरकारी सेवाओं में, फौज में भर्ती के लिए हमें वरीयता मिले, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी हम लोग चाहेंगे। आगे सवाल पूछा जाता है, मैं जानता हूँ परंतु आपका यह विचार है, आप चाहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से आपको विशिष्ट और पृथक समुदाय माना जाए। मैं जानता हूँ आप मांगते हैं, फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को हिंदू से अलग मानते हैं? बाबा साहब कहते जी हाँ, हम अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते हैं। अगला सवाल आता है, जहाँ तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, मैंने अनुभव किया है कि चाहे वयस्क मताधिकार हो या न हो, लगता है आप मनोनयन के विचार से सहमत नहीं है, आप चुनाव चाहते। फिर से बार बार वो बात आती है कि मनोनयन की बात, बाबा साहब फिर से कहते बिल्कुल जी हाँ, मैं मनोनयन के कतई विरोधी हूँ, किसी भी स्थिति में मैं मनोनयन का विरोध करूँगा, मुझे निर्वाचित प्रतिनिधित्व ही चाहिए। एक सवाल और, तब आप वयस्क मताधिकार को, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, सिर्फ भारत के लोग नहीं, भारत के ही लोगों में से अनुसूचित जाति जनजाति क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों ने भी इस बात को ध्यान में सुनना चाहिए कि वह डॉक्टर महामान्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने अनुसूचित जनजाति क्रिमिनल ट्राइब्स और पर्वतीय जनजातियों के लिए वोटिंग राइट्स की मांग की। सवाल पूछा गया था, तब आप वयस्क मताधिकार को, अडल्ट फ्रेंचाइज को, प्रौढ़ मताधिकार को, आदिम जनजातियों, जरायम पेशा मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स और पर्वतीय जनजातियों पर भी लागू करेंगे? बाबा साहब कहते जी हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, स्पष्ट नहीं, जी हाँ मैं ऐसा सोच। फिर से सवाल पूछा जाता है, क्या आप करेंगे? जवाब देते हाँ मैं करूँगा। पर इसका मतलब ये है कि साइमन कमीशन के समक्ष 1928 में बाबा साहब अनुसूचित जनजातियाँ, अभी अनुसूचित शब्द नहीं है, उस वक्त शब्द प्रयोग था आदिम जनजातियाँ, अभी अनुसूचित अभी हो गए हो, आदिम जनजातियाँ, जरायम पेशा क्रिमिनल ट्राइब्स और पर्वतीय जनजातियों के लिए भी माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मतदार
निर्वाचन क्षेत्र और प्रौढ़ मतदार संघ की मांग की थी, प्रौढ़ मताधिकार की मांग की थी। एक प्रश्न और पूछा गया है, क्या उन्हें मताधिकार दिया जाए या उनके हित की रक्षा मनोनयन द्वारा की जाए। सवाल ये बार बार ये इसलिए उठे जाते थे उस समय भी क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं था, पढ़े लिखे लोगों का, प्रस्तापित लोगों का, सत्ताधारी लोगों का विश्वास नहीं था कि अनपढ़ लोग जिन्हें वह गवार कहके अज्ञानी कहते हैं, ऐसे लोग मताधिकार का उपयोग विवेक से कर सकेंगे, इसका विश्वास नहीं था। इसलिए बार बार मनोनयन की बात आती थी। परंतु फिर से सवाल पूछा गया है कि क्या वो मनोनयन द्वारा नहीं किया जा सकता। तो बाबा साहब माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, मेरे विचार में ध्यान रहे पढ़े लिखे लोगों को सुनना चाहिए और जो अपने मत का अधिकार का सही उपयोग विवेक से नहीं करते उन्हें भी यह बात सुननी चाहिए। मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति के पास यह समझने की बुद्धि है कि वास्तव में उसे क्या चाहिए। विवेक बुद्धि का साक्षरता से कोई सरोकार नहीं है। कोई व्यक्ति, बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब जैसा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने अनपढ़ भारतीयों के प्रति श्रद्धा व्यक्त हुए करता है, कोई भी अनपढ़ होने के बावजूद बहुत बुद्धिमान हो सकता है। अनपढ़ होने के बावजूद बहुत बुद्धिमान हो सकता है। हमारे संत तुकाराम महाराज किसी महाविद्यालय में नहीं गए थे, हमारे संत गाड़गे बाबा किसी महाविद्यालय में नहीं गए थे, फिर भी आज उन्हें विद्वानों द्वारा नमन किया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई और विवेक बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो विवेक बुद्धि से उपयोग नहीं करेगा, ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है। एक सवाल और, क्या सिद्धांत न्याय संगत है कि जो जाति जितनी नीची स्थिति में होगी उसको अन्य जातियों की अपेक्षा चुनाव में उतना ही अधिक लाभ मिलना चाहिए। भारत प्रतिनिधि पर सवाल खड़ा किया गया। ये सवाल काय पर है? बाबा साहब ने कहा था कि हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व चाहिए क्योंकि सामाजिक दृष्टि से हम निम्न स्तर पर हैं, और इसीलिए सवाल पूछा जाता है क्या भारत प्रतिनिधित्व आवश्यक है। बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, यह आवश्यक है और यह मिलना ही न्याय है, अन्यथा सिर्फ अनुपातिक प्रतिनिधित्व हमारे लिए अन्याय का प्रतीक होगा। एक सवाल और, क्या आप, ध्यान से सुनिए, भारत की सारी महिलाओं को चाहे वो किसी भी वर्ण की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सारे ही महिलाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि यह बात ध्यान से सुनिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1928 में साइमंस कमीशन के समक्ष कही है। सवाल पूछा गया, क्या आप वयस्क पुरुष और महिला मताधिकार के पक्ष में हैं? अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, सवाल पूछा गया। बाबा साहब कहते हैं कि जी हाँ। पहले प्रश्न में बाबा साहब ने जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व मांगा, क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए प्रतिमांगा, पर्वतीय जनजाति के लिए प्रतिमांगा, यहाँ बाबा साहब महिलाओं के लिए भी प्रतिनिधित्व मांग करते हैं और निश्चित तौर पर करते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक पुरुष और महिला को मताधिकार मिलना चाहिए। सवाल पूछा गया है क्या व्यवहारिक है, इसे आप व्यवहारिक मानते हैं? फिर से वो सवाल आता है कि अनपढ़ पढ़े लिखे घर के बाहर नहीं निकली हुई महिला अपने मत का सही उपयोग कर सकेगी? बाबा साहब कहते हैं क्या बिल्कुल व्यवहारिक है।
बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, क्या आप समझते हैं कि लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना, फिर से बार 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 वो सवाल पूछे जा रहे हैं, लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना आ गई है कि वे अपने राजनीतिक मताधिकार का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए कर सके? क्या राजनीतिक चेतना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में है? सवाल ये भी है, परंतु बाबा साहब इसका जवाब देते हैं, मैं समझता हूँ कि इतनी चेतना आ गई है, नहीं है तो निर्माण की जा सकती है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पददलित वर्गों ने जिस प्रकार से मतदान किया वह इसका प्रतीक है, इसका उदाहरण है, जो ये सिद्ध करता है कि गरीब अनपढ़ व्यक्ति भी विवेक बुद्धि से अपने समाज के हित के लिए अपने मत का अधिकार का उपयोग कर सकता है, करना चाहता है। और इसीलिए बाबा साहब केवल पददलित वर्गों के लिए मताधिकार की बात नहीं करते, बाबा साहब जनजातियों के लिए, पर्वतीय जनजातियों के लिए, क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए और सारे ही समुदायों की महिलाओं के लिए भी मताधिकार की बात करते हैं। आज जिनको मताधिकार प्राप्त हुआ, पहले उन्होंने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 1928 के लिए धन्यवाद करना चाहिए, और इस 1928 की बात वो भूले नहीं है। जब संविधान निर्माण का दायित्व उन पर सौंपा गया तब संविधान में उन्होंने ये कर दिखाया। मुझे नहीं लगता कि उनके जगह पर और कोई दूसरा सर्व संविधान निर्माता होता तो सारे ही भारतीयों को जनरल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलता, सार्वत्रिक मताधिकार मिलता, मुझे नहीं लगता। महिलाओं को तो मिलने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में और इंग्लैंड में भी महिलाओं को अपने मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारत में महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़ा, भारत में पददलित वर्गों को संघर्ष नहीं करना पड़ा, भारत में जनजातियों को संघर्ष नहीं करना पड़ा, भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स को संघर्ष नहीं पड़ा, क्योंकि उनका संघर्ष डॉक्टर आम्बेडकर 1928 में लड़ रहे थे, उनके लिए डॉक्टर आम्बेडकर 1928 में लड़ रहे थे। एक सवाल और, आपने जो योजना बनाई है उसे यदि इस देश के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो इससे स्थायी वर्ग संघर्ष नहीं छिड़ जाएगा? ये बार बार बात आती है, ये बात संविधान सभा में भी आई थी कि भाई अछूतों को अधिकार दे दो, आदिवासी जनजातियों को अधिकार दे दो, महिलाओं को अधिकार दे दो, इससे समाज में वर्ग संघर्ष नहीं छिड़ जाएगा, वो वर्ग संघर्ष का मैं कहूँगा जाति संघर्ष नहीं छिड़ जाएगा, नहीं छिड़ जाएगा, लिंग पर आधारित संघर्ष नहीं छिड़ जाएगा। बाबा साहब कहते हैं हाँ हो सकता है भाई, जब मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी से कुछ छीनना नहीं चाहता, तो मैं अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए यदि कोई उसमें बाधा उपस्थित कर रहा है तो संघर्ष हो गई। मैं उससे नहीं लड़ रहा हूँ ना, मैं आपसे अधिकार मांग रहा हूँ, मैं सरकार से अधिकार मांग रहा हूँ। यदि लड़ते हैं तो यह मांगने वाले का दोष नहीं है, ये बहुसंख्यक समाज को पूछिए कि उनका रवैया क्या होगा, संघर्ष होगा नहीं होगा, यह बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बाबा साहब ने यह बात फिर से दोहराई कि भारत में अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है, अल्पसंख्यकों पर नहीं। अगला सवाल है, आप एक दूरदर्शी नेता हैं, 1928 बाबा साहब की आयु केवल 37 ईयर्स, 1928 में साइमन कमीशन उनको कहता है कि आप दूरदर्शी नेता हैं, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं,
आप एक दूरदर्शी नेता है, उनको दिखता है कि ये दूरदर्शी नेता है, भारत के लोगों को नहीं दिखाई पड़ा अभी तक, उस समय तक तो नहीं दिखाई पड़ा, आगे दिखाई पड़ा कि नहीं, बाद में आगे के आगे सोचेंगे। सवाल, आप एक दूरदर्शी नेता है इसलिए आप इसका आग्रह क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मैं, यद्यपि मैं उन पर आग्रह करता हूँ, परंतु ये सारे ही प्रावधान जो मैं मांग रहा हूँ ये अस्थाई है। आज भी डॉक्टर अम्बेडकर उस समय भी कहते थे आरक्षण अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, कब तक रहेगा बहुसंख्यकों को पूछिए, मुझे मत पूछिए आरक्षण कब तक बना रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मैं नहीं, बहुसंख्यक, वो मुझे समानता से समानता का व्यवहार करे, इक्वल सोशलिस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तो मैं आरक्षण कल छोड़ दूंगा, मुझे क्या लेना देना है आरक्षण से। ये प्रावधान सारे ही अस्थाई है, कब तक कायम रखेंगे यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, जिनके लिए मैं मांग रहा हूँ उनके ऊपर निर्भर नहीं है, यह बहुसंख्यक लोगों पर निर्णय है जिन्होंने समानता को नकार दिया। हमारे पॉलिटिकल राइट्स जो नकारते हैं यह उनकी जिम्मेदारी है, यह उन पर निर्भर करता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया, क्योंकि पिछले वक्त में हमने डिप्रेस क्लासेस मिशन की बात की थी, भारत में ऐसी अनेक संगठनाएं हैं जो दावा करती हैं कि हम पददलित वर्गों की भलाई के लिए काम करते हैं, और ये सारी संगठनाएं सवर्णों की है, सारी संगठनाएं सवर्णों की। सवाल पूछा गया कि इतने सारे भले लोग, इतने सारे भले मानस भारतीय समाज में होने के बाद भी आप उनके प्रति अविश्वास क्यों व्यक्त करते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि पिछले साल की बात है, हम 1928 की बात कर रहे हैं, 1927 में मैंने चौदह तले तलाव के लिए सत्याग्रह किया था 19-20 मार्च 1927 को, और फिर कॉरपोरेशन के महानगरपालिका का तलाव जो सारे ही समुदाय के लिए खुला था उसमें मैं सिर्फ पानी पीने गया तो मेरे लोगों के सर फोड़ दिए गए, मेरे लोगों के सर फोड़ दिए गए। उस समय मेरे लोगों को बचाने के लिए इनमें से कोई भी आगे नहीं आया, कल की बात है, बहुत दूर की बात नहीं, सर फोड़ दिए गए पानी पीने के बाद, वापस आने के बाद उसी दिन वहीं पर मेरी उपस्थिति में, सरकार के नुमाइंदे की उपस्थिति में सर फोड़ दिए गए, कोई बचाने नहीं आया। कैसे विश्वास करूं मैं इन लोगों पर? आप कहते हैं कि विश्वास क्यों नहीं करते, मैं इन लोगों पर कैसे विश्वास करूं? और अंतिम प्रश्न होगा जिसका मैं, और बाद में मैं समारोप करूंगा, लॉर्ड बर्नहम पूछते हैं, मेरे विचार में आप कहना चाहते हैं कि दलित वर्गों के हित की रक्षा करने के सभी उपायों में आप सर्वसुलभ मताधिकार को सर्वोत्तम समझते हैं। कैसे घूम फिर कर वहीं आते हैं हम, सर्वसुलभ मतलब सबको अवेलेबल हो, सबको प्राप्य हो, सबको मिले ऐसा मताधिकार, और जिसे टर्म्स में कहा जाए तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। बाबा साहब कहते हैं मैं विधान परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो चाहूँगा ही, परंतु मेरे विचार में सर्वसुलभ मताधिकार के पक्ष में, जी हाँ मैं सर्वसुलभ मताधिकार के पक्ष में हूँ, रहूँगा संविधान बनने तक, और संविधान बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकारने के बाद मैं दूंगा भी, तब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, तब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। यह है साइमन कमीशन का महत्व। साइमन कमीशन ने देखा यह दूरदर्शी नेता, उदयमान नेता का उदय हो रहा है। यहाँ पर यह चर्चा समाप्त होती है। क्या कहा साइमन कमीशन ने बाबा साहब में, साक्षी के साथ में, बाबा साहब माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने कहा कि हमें सांप्रदायिक मतदार, हमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व चाहिए, सांप्रदायिक मतदार संघ के आधार पर नहीं, हमें चाहिए संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थानों के जरिए। यदि आप हमें यदि आप, हमारी शर्त यह है कि सार्वत्रिक मतदार संघ का हक नहीं देते,
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का हक नहीं देते तो हम स्वतंत्र मतदार संघ की मांग करेंगे और यह मत का अधिकार सिर्फ हमारे लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा बाबा साहब ने, दो बातें और जोड़ी हैं, एक तो मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि चाहिए, मनोनयन नहीं, क्योंकि मनोनीत प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में लिया नहीं जाएगा, मनोनयन नहीं, हमें निर्वाचित प्रतिनिधि चाहिए, मंत्रिमंडल में स्थान चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, पॉलिटिकल सेफगार्ड चाहिए, संवैधानिक गारंटीज चाहिए। और बाद में बाबा साहब कहते, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि क्या चाहिए, क्या और क्या, और जनजातियों के लिए, पर्वतीय जनजातियों के लिए, क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए और महिलाओं के लिए भी मताधिकार की मांग करते हैं। आदिम जनजातियाँ, क्रिमिनल ट्राइब्स, पर्वतीय जनजातियाँ और भारत की सारी महिलाओं ने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहिए कि वह पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने 1928 में उनके लिए मतों के अधिकार की मांग की। भारत के किसी भी प्रतिनिधि ने यह मांग तब तक नहीं की थी, आगे की बात आगे कहेंगे। यहाँ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। अगले संडे को 15 नवंबर 2020 को हम फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे इसी समय। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, शुभ रात्रि, एवरीथिंग।